स्वागत है आप सभी का फिर एक बार छोटे पर्दे के सबसे बड़े शो पर जिसका नाम है Vivo स्मार्टफोन प्रेजेंट्स यारो की बारात को पावर्ड बाय amazon.in। और हमारे साथ है यारो के यार और हमारे खास यार शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा। अनुष्का, यू नो काफी सारी चीजें होती है दोस्तों, एनी वन हैबिट जो आप यू थिंक कि इनकी कोई इरिटेटिंग हैबिट हो, अरे यार आई डोंट लाइक दिस हैबिट, या आपको ऐसा लगे कैसी कोई इनकी आदत? मतलब मुझे ऐसा लगता है ये टाइम पे आ जाती है हर जगह यार, अगर 9 बजे पहुंचते हैं तो 9 बजे पहुंच जाती है जी। ये कोई बात कौन पहुंचता है 9 बजे? मतलब 9 बजे का मतलब 9 थोड़ा होता है, 10:30-11 तो होना चाहिए ना, स्टार्डम नहीं वैसे भी है। मतलब तो मुझे ये लगता है ये टाइम पे पहुंच जाती है, तो बड़ा तकलीफ होता है। अभी मैं अभी निकला तो मुझे उन्होंने बताया कि ये एकदम सीधा फ्लाई करके 7 बजे आ रही है, तो मैंने बोला अपनी टीम को कि यार मैं आराम से ना 6:30 निकलू। मैंने तो 7 बजे तो आ रही है, अभी तो आएगी, फिर वो तो 9 से पहले क्या पहुंचेगी। तो मैं 7:30 निकला जी। लेकिन ये 7 बजे आ गई थी जी। तो ये बड़ा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि ना ऐसा अजीब सा लगता है कि हम लेट जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं टाइम पे पहुंच जाता हूं जब अनुष्का टाइम पे पहुंचती है, लेकिन बुरा जरूर लगता है। आपको ऐसी कौन सी आदत है इनकी जो लगती है कि बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। जो भी शाहरुख को जानते हैं उनको पता है कि इनके नी में प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है। एंड हम लोग जब जब इम्तियाज की फिल्म के लिए शूट कर रहे थे तो ही हैड बैड नी प्रॉब्लम, मतलब सुबह बहुत उनको दर्द हो रहा था एंड ही वाज इन पेन, लॉट ऑफ पेन। लेकिन फिर भी जब हम लोग शूट कर रहे हैं ना तो ये मतलब फालतू में क्यों कर रहे हो यार, बट ही गेट सो एनर्जेटिक दैट ही विल जस्ट स्टार्ट। अगर कोई ऐसा सीन है जहाँ पे चल के जाना है या भाग के जाना है तो वो रिहर्सल में इतना फिर भी करेंगे, लाइक 1000 बार करेंगे, which I think he should not do because then ये problem देगा। हाँ, और फिर मैं दर्द होएगा, रात को लेट सोऊंगा, फिर मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा सुबह। अनुष्का, अगर तुमको शाहरुख की एक चीज चुरानी है तो कौन सी चीज होगी? कितनी सारी चीजें। चलो एक 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 चीज, एक चीज क्या, चलो तीन बोल दो। एक चार, चल तीन चीजें। क्या बात कर रहे हो, और 2-4 तो चुरा भी चुकी हूँ। ये तो बताया नहीं अभी। इनकी घड़ियों का कलेक्शन। हाँ। और मैं बेचूंगी। शोर बाजार। शोर बाजार। अच्छा ये बिजनेस वुमन है। ये बिजनेस वुमन है। फिर दूसरी चीज। मन्नत। ऑब्वियसली। अब तीसरी चीज बोल दो। अभी कुछ तो छोड़ देती हूँ। मतलब एक वैनिटी वैन छोड़ दो, वहीं रहूंगा ना मन्नत के बाद, सारी फैमिली को, बच्चों को लेके, बीवी को लेके वैनिटी वैन में रह जाऊंगा मैं। ले लूंगी। जोड़ूंगी सब, ले लूंगी। आप कौन सी तीन चीजें इन ये चीजें छोड़ के वापस नहीं ले सकते? वापस नहीं चुरा सकता मैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि जैसा हूँ, जैसा दिखता हूँ, सब कुछ, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा मिला है अपनी हैसियत से। लेकिन मेरे को ना हमेशा एक हाइट की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा लंबा होता तो मैं इसकी हाइट 2-3 इंच चुरा लूँगा मैं उससे। अगर मेरी अनुष्का शर्मा जैसी हाइट होती ना, फिर तो देखता क्या बन जाता मैं। तो इतना सा रह गया, 1.5 इंच से मार खा गया। आपकी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी कभी हाँ कभी ना, तो ये जो अगला गेम, अगली एक्टिविटी है वो भी कभी हाँ कभी ना है। कुछ सवाल हम आप दोनों से पूछेंगे, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। तो पहला सवाल, क्या आप लोगों ने स्टार्स बनने के बाद कभी किसी दुकान से शॉपलिफ्टिंग की कोई चीज सटकाई है? But, तो पहले भी नहीं किया था यार। पहले भी नहीं चुराया था। हम चोर बनने ही नहीं आए थे हम। हाँ, मतलब हम स्टार बनेंगे फिर हम चोरी करेंगे। चोरी करेंगे। डिस्काउंट मांगा था ना? हाँ। मैंने बहुत ही बुरी तरह से कैमडन टाउन में, लंदन में, एक जहाँ पे ना बहुत बांग्लादेशी शॉपकीपर्स होते हैं, तो वो मुझे पहचान गए, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, तो उन्होंने कहा फोटो 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 फोटो, और वहाँ पे बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है। मैं कहा फोटो लूँगी अगर इतने में दोगे। मैंने भी एक बार ऐसा ट्राई किया था, तो उन्होंने कहा रहने दे फोटो पर छोड़। मगर मैंने होटल से कभी कभी एक दो चीजें उठा लेता हूँ मैं, वो जो कभी होता है टूथब्रश वगैरह, छोटे साबुन, शावर कैप, साबुन, कभी कभी बच्चा, अभी मैंने रिसेंटली चॉकलेट जूते रखने के लिए, नहीं लॉन्ड्री के बैग, मैं इतना ऑर्गेनाइज नहीं,
But chocolates होती हैं कभी-कभी ना कई होटल्स में ना बहुत बड़े-बड़े होटल में लोग मुझे लगते हैं। You have to pay for those chocolates. I know, but मुझको मैं ले जाता हूँ लगता हूँ कि मुझे free मिल गया मुझे थोड़ा अच्छा लगता है cheap हूँ मैं इसमें। या अभी एक attention और मैं और जब मैं बाहर जा रहा होता हूँ ना room से तो obviously कभी-कभी लोग खड़े होते हैं photo photo खिंचाने के लिए तो मैं हवा में ऐसा बोलता हूँ अपना guilt conscience कम करने के लिए कि वो मैंने कुछ लिया यहाँ से तो आप हाँ हाँ फोटो हाँ वो मैं अंदर से कुछ उठा लिया जैसा ऐसा करके मगर तौलिए वाले नहीं चुराए मैंने तौलिए और ऐसा सब नहीं करा तकिए और तौलिए नहीं चुराए बाथरूम भी नहीं हमारे वो है क्या लोग अवार्ड्स खरीदते हैं मुझे तो फ्री में देते हैं उल्टा कई बार मुझे पैसा साथ में देते हैं यार ले लो प्लीज हमारा बहुत प्लीज और ले लो क्या आप दोनों ने कभी किसी फिल्म में ओवर एक्टिंग की है हर फिल्म में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं एक्टिंग की टाइट पैंट नहीं पजामा हूँ मैं ढीला ढीला हूँ थोड़ा क्या आप दोनों ने कभी कोई भी फिल्म सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की है ना मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन जिंदगी में मैंने एक बार किया मैंने 60 फिल्में की और सिर्फ एक फिल्म मैंने पैसे के लिए की थी और मुझे मालूम भी था और मैंने प्रोड्यूसर को भी बोल दिया था मैंने सबको बोल दिया था मैंने घर लिया था उससे पहले वाला और मुझे बहुत ज़रूरत थी जब मैं ठीक ठाक हो गई मेरी माली हालत तो मैंने रिसेंटली जब अपनी सारी फिल्में वापस खरीदना शुरू की तो पहली फिल्म वो वापस ली मुझे वो ऐसा लगता है कि मैंने उसकी पेमेंट वापस की है और मुझे दिल नहीं था करने का बट जेन्युइनली मैंने एक ही फिल्म में आज तक अपना जमीर बेच के पैसे के लिए की वो पिक्चर का नाम मुझे मालूम है बट मत बोल तो अच्छा रहेगा ना यार क्यों वो जिन्होंने बनाई है वो तो है उनको मैंने नहीं बताया मतलब उनको पता चल गया नहीं मेरी काफी सारी ऐसी फिल्में जो लोग समझ होंगे पैसे के लिए कहानी तो नहीं की क्या आप दोनों कभी भी लाइफ में गेटअप करके अपनी फिल्म का रिएक्शन देखने थिएटर में गए हो हाँ गेटअप करके हाँ मतलब नॉर्मल नॉर्मल क्या बुर्का पहन के नहीं नहीं नॉर्मल नॉर्मल सेम शाहरुख नहीं मैं तो कभी गया नहीं मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ यार ये कौन सी फिल्म देखने गई थी आप मैं रब ने देखने गई थी रिएक्शन के लिए बैंड बाजा बारात देखने गई थी सुल्तान देखने गई थी लोग देख रहे थे कि आप क्योंकि मैं लेट मतलब जैसे अभी ऐसे ये है यहाँ पे साइड में स्टेयरकेस के बगल में जो होता है जब चढ़ते हैं वहाँ पे लोग यूजुअली कोई होता नहीं है ना तो आप जब शो शुरू हो गया है उसके बाद जाके चुपचाप थोड़ी देर खड़े हो जाओ NH10 में देखने गई थी आप लोगों के रिएक्शन देखो रोल बस वापस आ जाओ मैंने पहले देखा था ऐसा मैं दिलवाले के लिए गया था मैं चाहत के लिए गया था शुरू में मैं जाता था लेकिन फिर पता क्या हो गया कि जब लोग फिल्म देख रहे होते हैं ना वो बहुत आराम से और खुशी से देखने आते हैं तो वो अलग नजरिए से फिल्म देखते हैं वो ऐसा बैठ के नहीं कि हम हर चीज़ देखेंगे तो ना पॉपकॉर्न भी खाते हैं बातचीत भी करते हैं आजकल तो टेलीफोन में भी होते हैं कई लोग तो मैंने देखा ना अपना टेलीफोन करते हैं सारा डायलॉग इसने मिस कर दिया उसको कहेगा पिक्चर अच्छी नहीं है मगर वो डायलॉग तूने सुना नहीं था तू जब तू पॉपकॉर्न खा रहा था तू तो मैं ऐसा मैं एक बार दिलवाले दुल्हनिया देखने गया था और बहुत पुरानी बात है महेश भट्ट साहब थे हम चाहत की शूटिंग कर रहे थे पूजा थी मेरे साथ तो हम रह गए ऐसे पीछे जाके छुप गए ऐसे चादर वादर ओढ़ के ऐसा बैठ के देख रहे थे ऐसा करके तो बहुत सारे लोग ना बात करने लगे तो पहले तो मुझे लगा कि क्लाइमेक्स वर्क नहीं कर रहा फ्लॉप होगी क्योंकि ना लोग बात करते फिर मेरे को लगा मैं इनको बोलूँ सुनो इतनी अच्छी बात कर रहा हूँ भाऊजी सही कहते हैं भाऊजी सही कहते हैं भाऊजी इतनी अच्छी बात कर रहा हूँ फैमिली वाली बातें कर रहा हूँ तुम सुन क्यों नहीं रहे हो उसके बाद फिर मालूम पड़ा ये चौथी बार देख रहे हैं तो डायलॉग पढ़ रहे हैं साथ में बट मैं इतना टेंस हो जाता हूँ ना मैं लोगों को हिला हिला के पॉपकॉर्न मत खाओ ये मत करो बात मत करो ये कौन है तुम्हारी माँ है कोई फर्क नहीं पड़ता इसको छोड़ो ना तो मेरे को लगता है सबको ऐसे देखने मगर लोग नहीं ऑब्वियसली लोग एंजॉय करने को खाली फोन के साथ खेलते हैं मतलब खुशी से देखना चाहते हैं तो ये गलत है मेरे को जाके उनकी खुशी में खलल डालना तो मैं अब छोड़ दिया देखना मैं नहीं जा सकता आपकी ऐसी कोई फिल्म जो रिलीज हो चुकी हो और आपने नहीं देखी हो देखी ना हाँ शाहरुख हाँ बहुत सारी फिल्में आपने देखी नहीं मैंने नहीं देखी ऐसी कोई सक्सेसफुल फिल्म जो आपकी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और आपने देखी नहीं हो मैंने दीवाना नहीं देखी मैंने स्वदेश नहीं देखी मैंने परदेश नहीं देखी मैंने बहुत सारी फिल्में नहीं देखी क्यों लेकिन ये बहुत नई बात है मतलब हो गई यार अब तो डबिंग में पसंद भी हाँ डबिंग करते वक्त टेक्निकल एडिट के अंदर कई बार मैंने हॉल में तो वैसे नहीं देखी और बैठ के घर में कई बार ही फिल्म नहीं देखी बहुत सारी फिल्में पूरी नहीं देखी मैंने क्योंकि मुझे लगता है हो गई और मुझे मालूम है उसका प्रोसेस क्या था लोगों ने इन्जॉय किया बहुत तारीफ भी की लेकिन मैंने फिर जाके नहीं देखी मतलब मुझे लगता है फिल्म
मतलब प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग, आप सब लोग एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं. मुझे ऐसा लगता है अपना इंटरव्यू देने के बाद खुद पढ़ना मुझे बड़ी हमाकत लगती है. करेक्ट करेक्ट. मैंने ही तो बोला ये. क्या बोला नहीं है? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्क एथिक्स? मैंने अरे क्या बोला नहीं. तो मतलब मुझे लगता है इंटरव्यू खुद का पढ़ना, अपनी फिल्म जाकर देखना बाद में थोड़ा सा. अच्छा सीखने वीखने के लिए, लेकिन मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं. मैं खुद से भी नहीं सीखता. ऐसा कोई कभी होता है कि आपने सीन परफॉर्म किया और बहुत अच्छा रिएक्शन है, यू ऑल्सो फील सो गुड अबाउट इट, और जब डब कर रहे हैं यार ये कुछ गलत ही हो गया यार, मैंने उस दिन तो सोचा था बहुत अच्छा गया. ऐसा होता है कभी? ऐसे कभी नहीं होता. मेरे साथ हॉल में ही होता है कि जो सीन मुझे दुनिया के सबसे अच्छे लगते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, जिसके अंदर मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा डाल दिया. यू नो कई बार सीन करते करते मैं हमेशा सबको बोलता हूँ क्राफ्ट जो है आर्ट को खत्म करने लग जाती है. यू नो मेरे क्राफ्ट अच्छा हो जाता है, आर्ट कभी कभी खत्म हो जाती है, फ्री फ्लोइंग नहीं रहती. तो लगता है कि यार ये आर्ट आ गई, ये बहुत अच्छा हो, दिल से निकला यार, मैं असली में रो पड़ा था, मैं असली में हंस पड़ा था, असली में अच्छा हो गया था. और मैं हॉल में ना ऐसा बैठ के कई बार देखा हूँ ट्रायल्स के अंदर, अब सबके सब देखेंगे और सब ना पीछे वाली सीट से और आगे वाली सीट से सब घूमेंगे और पीछे वाले से देखेंगे कि यार क्या यार शाहरुख यार मजा आ गया ये सीन में यार शाहरुख, ऐसा कुछ करेंगे. और वो सीन में मैं नोट करता हूँ कि सब वो सीन चला जाता. तो मैं बाद में ना पूछता भी हूँ ऐसा, मैं मारता भी साथ में कोई तो उनका क्या रिएक्शन? क्या क्या हाँ देख तो रहा हूँ ना यार क्या है. तो मैं कहा यार ये इसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया. और कई सीन होते हैं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो यार अजीब सा हो गया, डायरेक्टर ने हाँ कह दिया, टाइम नहीं था, और सडनली मस्त है बहुत अच्छा किया तूने ये. सो आई रियलाइज कि बहुत चीज़ें उल्टी हो जाती हैं जी. सो मतलब आई कैन नेवर सस कि बाद में देख के बुरा, तो जो मुझे अच्छा लगता है वो लोगों को बुरा ही लगता है. तो मैं इसलिए बहुत बुरा बुरा कर रहा हूँ आजकल, लोगों को पसंद अच्छा लगे. ये मेरा नया मन, किसी को बताना, हाँ किसी को बताना नहीं है. आप दोनों मुझे एक ऐसा मोमेंट बताइए जब आपको महसूस हुआ वो अपनापन जिससे आपको ऐसा लगा कि इस इंसान के साथ जिंदगी भर तक के लिए फ्रेंडशिप मनाई जा सकती है. मेरी दोस्ती इससे एक बहुत अजीब वजह से, ये ना बहुत ऑनेस्ट और सच्ची सी लड़की है, बदतमीज नहीं है, कोई बदअखलाकी नहीं करती है. ही इज ओनली पर्सन जिनके साथ मैं बात कर लेती हूँ खुल के, बिकॉज इनके अंदर है वो एक ऑनेस्टी है, एक डेप्थ है, एंड ही डज नॉट जज यू. एक और गेम हम आप दोनों के साथ खेलना चाहते हैं. स्क्रीन पर दो दो ऑप्शन होंगे आपके लिए, लेकिन वो चूज करेंगे आपकी दोस्त. अच्छा कि ये या ये, आप शाहरुख को क्या देना चाहते हो? मैं समझ गया. और ये गेम का नाम है दोस्ती इम्तिहान लेती है. तो पहले कौन शुरू करेगा? पहले शाहरुख के लिए शुरू करते हैं. सो अनुष्का विल चूज नाउ. अनुष्का चूज करेंगी शाहरुख के लिए. मुंबई या दिल्ली? अनुष्का तुम्हारे हिसाब से शाहरुख क्या चूज करेंगे? मुंबई. 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 मैं अभी बोलता ना जी, एक ने मुझको जन्म दिया, एक ने मुझको पाला, और एक कन्हैया किसको कहेगा तू मैया. सेकेंड स्लाइड शाहरुख के लिए. करण जौहर, फारा खान, शाहरुख क्या चूज करेंगे? ये करण का शो नहीं है, ये मेरा शो है. करण जौहर. हाँ तो मैं एक्चुअली यार ये बड़ा डिफिकल्ट है यार, ये इसीलिए तो ये दो फोटो रखे हैं. हाँ मैं चाह रहा था इन दोनों के बच्चे हों और वो बच्चा मैं चूज कर लूँ. फारा के तो तीन है. हाँ मतलब करण भी कर ले एक दो. साथ में कर ले सब. जैसे आजकल लोग बोलते हैं ट्विटर पे ऑब्वियो ऑब्वियो ब्रो अनुष्का. क्योंकि जब मेरी बारी के अंदर ऐसी ही फोटो अनुष्का के लिए आएगी वो मुझे चूज करेगी. ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिलवाले दुल्हनिया कुछ कुछ होता है. यार मेरे लिए कुछ कुछ होता है. रीजन? बिकॉज आई थिंक एज अ फिल्म उसने मेरे को ज्यादा इम्पैक्ट. नहीं नहीं आपकी बात नहीं हो रही है.
ये क्या चूज करूं? तो एक सेकंड, इससे इसका मतलब इससे पहले करण करण भी आपने खुद के लिए चूज किया था? इनके लिए ताली। एसआर के क्या चूज करेंगे? डीडीएलजे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन। आई थिंक ही वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय दिलीप कुमार। या 100% यार, because I think even Amit ji will be happy if I choose Dilip Kumar. You know, right, well played sir. Ye slide aise hi rakhna, achhi tarah Dilip saab ki photo ko dekho, aisa lagta hai ki young Shahrukh aur Shahrukh very similar. Acha main samjha, abhi bola na ki young Shahrukh and old Shahrukh. Aisa laga mujhe bola. Next slide please. ये बहुत ही डिफिकल्ट जवाब है, बट आई एम प्रिटी श्योर शाहरुख चूज करेंगे। आमिर खान और सलमान खान की बजाय वो चूज करेंगे साजिद खान। मैं भी यही कहने वाला था, साजिद। आई आल्सो शिफ्ट टू बैंडस्टैंड। मैं पॉलिटिकली करेक्ट होकर साजिद को चूज करूंगा। जो इम्पोलिटिकली करेक्ट हो। आप शाहरुख चूज करेंगे, ये अनुष्का के लिए पहला स्लाइड। yeah. करण जौहर या आदित्य चोपड़ा? आदित्य चोपड़ा। इतना फास्ट? अरे यार, पहली फिल्म साथ में की है। पर लेटेस्ट फिल्म करण के साथ की है। पर पहली फिल्म यार, पहला प्यार, मुझे पहला प्यार, मुझे पहला ब्रेक दिया। ओके, ग्रेट ग्रेट। अगर ये चॉइस, मैं इमोशनल हो रही हूं। अगर ये दोनों के बीच में शाहरुख चूज करते तो किसको? मेरा पार्ट है ही नहीं इसमें। ये नहीं है ना, पूछ रहा हूं। बार-बार ऐसा मेरे साथ मत क्रिएट कर। नहीं, ये सब नहीं करेंगे हम लोग। हमने सलमान आमिर का नहीं बोला था, इनको क्यों बोलेंगे? ओम समझते नहीं हमको यार। ओके, थर्ड स्लाइड। रब ने बना दी जोड़ी या NH10? इसके दिल में आएगा, और ये सचमुच में बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको जानता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए इसकी तरफ से NH10 चूज करूंगा क्योंकि इसकी पहली प्रोडक्शन थी और ये बहुत स्पेशल पिक्चर थी, और रब ने हमेशा स्पेशल रहेगी, लेकिन ये जो है ये बहुत स्पेशल बच्चा है क्योंकि पहली फिल्म है, इसलिए आई थिंक NH10 वो होना भी चाहिए। और मैंने कभी भी अपने पूरे करियर में ऐसी पिक्चर नहीं की जिसमें मैं अनुष्का जितना माचो हूँ जितनी NH10 में थी। करके ऐसा मोटरसाइकिल मैंने कभी नहीं मारा किसी को ऐसा। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा मैं ना, मैं एक सेकंड के लिए शॉक हो गया क्योंकि मैंने पहचाना नहीं है एक सेकंड के लिए, तो मैंने कहा ये तो कौन लड़कियां हूँ। मेरे को क्या लगा? अच्छा तो मुझे लगा कि इसकी कोई दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तुम समझ लो इतने अच्छे गा रहे कि मुझे वो भी मालूम है कि राधा की संगम। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ये कौन सी लड़की को चूज करूं? सीता या गीता? मैं कंफ्यूज हो गया यार। साड़ी में या स्कर्ट में? मुझे पर्सनली लगता है बिकॉज आई नो हर कि ये कंफर्ट में ज्यादा बिलीव करती है, और साड़ी बहुत कंफर्टेबल और हमारा बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, बट पहनना वहनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आई थिंक शी वुड चूज अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स राइट एज एन व्हेन। नेक्स्ट स्लाइड। ये तो पहले डिसाइड हो गया था नहीं, जब तुमने दीपिका और इसका किया था। ऐसे भी ऐसे। तो अब अपने मुंह से अपनी तारीफ मैं क्या करूं मिस्टर शिवकुमार, तुम ही जवाब दे दो। यू वांट टू से समथिंग टू दिस? द फैक्ट दैट हम लोग यहाँ पे हैं और हम ऐसे एक दूसरे से यू नो बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली ही इज वेरी स्पेशल इन माय लाइफ। नो नो, शी हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, बट एक पहली फिल्म का एक होता है, बिल्कुल पहला होता है। कौन जीता? बट यू वन अनुष्का सुपरस्टार वाला वो जीती थी ना तू? हां करेक्ट, ठीक है। यू वन वन वालों तू अपनी अंगूठी संभाल ले। ये वाली असली है, आप पहन ले, पहन ले। नकली है तो लुक खराब हो रहा है मेरा। इन्होंने लुक नहीं खराब हो रहा, इसने अभी अभी रिसेंटली ना डाइटिंग करके वेट लूज किया, तो सारे तो भैया
आपको भी मानना पड़ेगा ये राउंड भी शाहरुख राउंड पिछला लास्ट टाइम शी वन ये राउंड ही शाहरुख जीते इसी खुशी के बाद पे हो जाए शुक्ला मुझे ना रात में ये सपनों में आई है दोस्तों अब वक्त है फास्टर फिंगरप्रिंट कैप्चर करने वाले वीवो स्मार्टफोन सेल्फी मोमेंट का गाइस लेट्स हैव अ सेल्फी ओके लेट्स गो चल बेटा सेल्फी ले ले गाइस 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 आप लोगों को रितेश ये किताबें देगा आप लोगों को साइडवेज इस पे बड़े बड़े नाम लिखने आपके जवाब लिखने जवाब जवाब लिखना ताकि आपको सबको दिखाने पड़ेंगे दिखाने पड़ेंगे जवाब क्या है बेसिकली सवाल एक को होगा लेकिन जवाब दोनों को लिखना है ओके ओके तीसरा वाला भी पढ़ा है तीसरा वाला भी पढ़ा इसका क्या करूं तू एक काम कर रितेश तू भी लिख ले आज लिख दे वेरी गुड पहला सवाल आप तीनों के लिए और देखना नहीं है नहीं देखना सच्ची में एग्जाम लिख ले शाहरुख का सबसे बड़ा डर क्या है समझ ही नहीं आ रहा मेरे को मैं कैसे लिखूं अरे व्हाट डस शाहरुख गेट स्कैर्ड ऑफ मैक्सिमम तू एक वर्ड भी लिख दे उससे मिलता जुलता पहले शुरू करते हैं शाहरुख से शाहरुख यू हैव टू शो इट शाहरुख का सबसे बड़ा कोई मेरे हाथ काट डालेगा ये क्या फियर होता है ये मेरा फियर है कि मैं ऐसा मेरे कोई नीचे से ऑनेस्ट टू गॉड मैं झूठ नहीं कह रहा आप शोले के सबसे बड़े फैन हैं मैं इसके ऊपर से काटे थे आर यू सीरियस अगर मैं सी बड़ी आयरोनिक बात है कि मैं ऐसे चीज के लिए फेमस हूँ लेकिन मेरे को अगर कोई ऐसा बोले ना थोड़ा हाथ ऊपर कर जैसे वो दर्जी जब मेजरमेंट लेता है तो मुझको ऐसा मैं जेन्युइनली मेरे को सबसे यही मेरा जिंदगी अजीब बात है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो पहले आप खुल के ऐसा करते थे आजकल ऐसे करते हैं नहीं नहीं वो सीन में मैं कर लेता हूँ बट मेरे को रियल लाइफ के अंदर जैसे मैं बात कर रहा हूँ अब मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं डॉक्टर के पास भी गया लेकिन उसने कहा तुम्हारे को इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है पहले वो सॉल्व कर लेते दोनों ही नहीं हो सकता बच्चे भी कहीं छोड़ के नहीं जा रहे स्टार्डम भी कहीं छोड़ के नहीं जा रहे How well does Ritesh know Shahrukh? One second. मैंने इंटरव्यू में इसको मार्क्स देने दो जीरो. ये मैंने भी ना इंटरव्यू में पढ़ा था. ये इसके इंटरव्यू में लेकिन आपने ऐसा बोला था एक बार. स्टार्टअप बोला था. नहीं 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 नहीं. आपके साथ क्या तुम लोग अंग्रेजी का इंटरव्यू था समझे नहीं ठीक तरह तुम लोग. वो यही था कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक दिन उठूंगा और कोई होगा नहीं लेकिन मैं लोगों को बहुत प्यार करता हूँ और जब तक फिल्में बनती रहेंगी लोग मुझसे प्यार करेंगे मतलब उससे मेरी इनसिक्योरिटी नहीं है उसके अंदर मेरी सिक्योरिटी है कि ऐसा होगा और मेरे को सिर्फ इसी बात का जेन्युइनली इसकी इसी बात का मुझे एक फेयर है और दूसरा मुझको वो जो आप देवदास का कर रहे थे मैं झूले पे नहीं बैठ सकता झूले पे नहीं बैठ मैं यहाँ से छलांग मार सकता हूँ लेकिन झूले पे नहीं बैठ सकता हूँ क्यों बचपन में झूले पे नहीं बैठे थे मैं बचपन में अभी भी मुझे बिठा दो जब मैंने वो सीन भी किया था आई वॉज होल्डिंग एश लाइक दिस वो क्या ना वो क्या था पारो गाना क्या था वो इतना डरा हुआ रहता हूँ मैं झूले पे नहीं बैठ सकता हूँ ओके नेक्स्ट अभी मेरा सवाल अभी एक सेकंड अनुष्का के अनुष्का के लिए जी अनुष्का को मीठे में क्या पसंद है स्वीट में खुद ही इतना सोच रही है डोंट ट्राई टू रीड व्हाट आई एम राइटिंग नहीं नहीं लिखा अच्छा ये बता दे वेस्टर्न डिश है कि इंडियन डिश है से अच्छा खाली इतना बता दे इंडिया में मिलता है आई एम नॉट गोना से इट थोड़ा लंबा लग रहा था मुझे जो उसने लिखा है ना तो दो चार होंगे जैसे कि ना मतलब इमरती के लड्डू तो मैं लिखता हूँ ठीक है मैंने क्योंकि ये बनाना सीखा है तो मैं इसलिए लिखता हूँ हालांकि मुझे लग रहा है रॉन्ग है एक सेकंड पहले पहले देखेंगे अनुष्का का जवाब अनुष्का को मीठे में क्या पसंद है You don't like sweet, मीठा पसंद नहीं है जैसे कुछ ऐसे कभी खा लिया था इसमें मुझे खास शौक और कोई आके मीठी मीठी बातें करे तो करो शाहरुख मेरा यहाँ तो बिल्कुल Wrong.
मैंने पहले लिखा था कुछ मीठा कुछ लड्डू टाइप। शाहरुख की वर्स्ट हैबिट क्या है? एक सेकंड में अनुष्का ने लिख दिया। You stop trying to read what he's saying. क्या कर रहा है? चीटिंग कर रहा है। Disqualified. शाहरुख से शुरू करते हैं। शाहरुख, आपकी वर्स्ट हैबिट क्या है? No, first you should show us ना, then we'll be proven right or wrong. ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या है? Saying yes to यारों की बारात, ये शो पे आना इनकी जिंदगी की वर्स्ट हैबिट। Smoking. Yeah. Smoking. और मैं चाहता हूँ कि मैसेज जाए इसलिए मैंने लिखा धूम्रपान निषेध है और नो स्मोकिंग, लेकिन स्मोकिंग इज माय वर्स्ट हैबिट। शाहरुख का फेवरेट बॉडी पार्ट क्या है? भगवान एक तो करेक्ट दे दे। रेडी शाहरुख? मैं लिखा है ये आंख है उफ युम्मा जिनकी जीवी और डिंपल। ओह माय गॉड, आईज एंड डिंपल्स। अरे वाह, आईज एंड डिंपल्स, वेल डन यार। रितेश ने डिंपल लिखा है। आ गया, थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आ गया, बिल्कुल सही हो गया, थोड़ा थोड़ा ट्रैक। मैंने एग्जैक्टली सही ऑर्डर में भी लिखा। सही लिखा तुमने। अनुष्का, अनुष्का की बिगेस्ट कॉम्पिटिटर हीरोइन कौन? लिख 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 जा रहा हूं मैं। रेडी रेडी अनुष्का। क्या है? सारी की सारी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सारी की सारी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे वेरी गुड। जोगिंदर, जोगिंदर रंगा खुश, रंगा खुश। अच्छा मैं लिखा है कोई भी नहीं है, यूनिक है, इसके जैसी कोई नहीं, ये रेस में ही नहीं। हाउ स्वीट यार। शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? कोई मैं बोल रहा हूं ये सवाल मत रखना, लोग टीवी में घुस के मारेंगे। सॉरी खुद एसआरके सब लोग उठा लो। हाँ। क्यों फेंके? अरे सॉरी सर, ऐसे विद्या को नहीं फेंकना चाहिए। या 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 या। अनुष्का लड़कों में कौन सी चीज से सबसे ज्यादा इम्प्रेस होती है? सिंपल। मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है। फिर से तूने पॉलिटिकली करेक्ट जवाब। रेडी अनुष्का? मैंने लिखा ऑनेस्टी एंड सेम वैल्यू सिस्टम। ऑनेस्टी एंड सेम वैल्यू सिस्टम एज योर्स। मैंने लिखा है मैनर्स, शिवलरी, मैन लाइक टेंडरनेस एंड केयर। मैनर्स, शिवलरी, मैन लाइक टेंडरनेस एंड केयर। वाओ। हां मतलब कि यार शी लाइक्स, आई थिंक कि बिहेवियर सही है। और रिस्पेक्ट। हां ये वर्ड अच्छा है, ये रिस्पेक्ट अनदर। ये भी आई लाइक, मतलब परफेक्ट ओवरऑल। ओवरऑल यू लाइक बटलर्स। हेलो गुड इवनिंग, यू लाइक बटलर्स। ये परफेक्ट मैन हो गया, ये परफेक्ट मैन तीनों को मिला गया। आखिरी वाला शाहरुख के लिए, आप सबको भी बहुत मजा आएगा। शाहरुख सबसे पहले एक लड़की में क्या नोटिस करते हैं? मैं ना कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे लड़कियों के बारे में हर चीज अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार तू पॉलिटिकली करेक्ट जा। आवाज और हंसी, ये पहली चीज नोटिस करते हैं लड़की। अगर बात नहीं की और हंसी नहीं तो फिर और चीजें नोटिस करता हूँ। नहीं मतलब सचमुच अगर ऐसे बात बात करने लगे, नॉर्मली कर ही लेती हैं लड़कियां, तो फिर मुझे भी आवाज और हंसी पसंद। आवाज मतलब क्या बात है, स्माइल तक तो पहुंच गया। स्माइल और हंसी, हंसी या स्माइल एंड आईज। आवाज और हंसी, आवाज और हंसी।
और अगर हंसी एकदम खूबसूरत है और आवाज हेलो हाउ आर यू ऐसी आवाज तो फिर क्या होगा? जो मेरा मुकाम है इस वक्त, आवाज और हंसी अच्छी भी हो तो तब भी कुछ नहीं होगा, एक चीज अच्छी हो एक गंदी हो तब भी कुछ नहीं होगा, दोनों भी बुरी हो तो कुछ नहीं होगा। मैं बस देखूंगा और चला ही जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। तो ठीक है, ये पिटारा बंद करते हैं। वेल डन, आई थिंक दे नो ईच अदर रियली वेल। बहुत सारे वेल डन, कांग्रेचुलेशन। फिल्म स्टार्स की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जो वीकनेस होती है वो होता है उनका फैंस का लव। जब तक फैंस नहीं है फिल्म स्टार नहीं होता है। तो जाहिर बात है कि आपके जितने भी सारे फैंस यहाँ पर बैठे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंटरेक्शन उनके साथ भी किया जाए। तो कौन पहले सवाल किससे पूछना चाहता है, हाथ उठाइए। यस, हाय शाहरुख, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं आपके साथ रोमांस करूं, और मैंने फिल्मों में देखा है बीच पे जाते हैं, गोला खाते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो मैं वैसा कुछ करना चाहती हूँ आपके साथ। माय ड्रीम, यू नो, एंड ओनली बिंदु गौतम। बिंदुआ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ गोला खाना चाहती हूँ। आपको कैसे पता? आपने बोला ना। शाहरुख, आप अंतर्यामी हो। आपको कैसे पता चला? मैंने आपकी आंखों में गोला 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 मैं लेकिन की आंखों में एक गोला गोला शरबत लेके आ जाओ। देखो गोला गोला शरबत भी आ गया। आइए आइए, और तुम याद रखना इतना रोमांटिकली गोला कोई नहीं खिला सकता। तुम यहीं बैठी रहो और मैं सारा रात तुम्हें गोला खिलाता रहूं। Would you like to take the rest of it with you? वैसे बिंदु जी, आपको जान के बहुत खुशी होगी बिंदु जी कि ये गोला शरबत ये 3 हफ्ते से पीछे पड़ा था। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अरे रियली, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस बिंदु जी, आपको मिलता है एक Vivo V3 स्मार्टफोन विद 3GB रैम और फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग जैसे बेहतरीन फीचर्स। वाह, क्या नसीब है इनके, गोला भी खाने को मिल गया, रोमांस भी हो गया, फोन भी मिल गया और दो दो पप्पी। वेरी गुड। अगला है, सॉरी फैन कौन है? सर, हेलो शाहरुख सर, हेलो अनुक्षा मैम। अनुक्षा, अनुक्षा मैम, करेक्ट, थैंक यू, करेक्ट। अनुक्षा, हाय अनुक्षा। हाय, आई एम अजादिन एंड दिस इज कीर्तेश। आई एम शाकुर जी। मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं शाहरुख सर जी का और अनुक्षा मैम जी का बहुत बड़ा अच्छा फैन हूँ। अनुक्षा, तुमने इतने सालों तक हमें नहीं बताया तुम्हारा नाम अनुक्षा था। बताइए सर। अक्सर पिक्चरों में देखता हूँ जब हीरो का कभी जब बटन टूट जाता है तो हीरोइन बहुत अच्छे प्यार से उसका बटन सिलती है। तो आज मेरी, मैं अनुक्षा मैम का बहुत अच्छा फैन हूँ। अरे यार, तो मैं चाहता हूँ मैम
आप मेरे लिए जरा एक बटन जरा सिल लेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक सेकंड, ये हमारे शो की स्टार है, आपने इनको दर्जी बना दिए। मैं सी देता हूँ बेटा। मैं तेरे पे जिपर भी लगा दूंगा। अनुक्षा नहीं करी। सुई धागा किसके पास है? ऐसा टूट गया। हाँ टूट गया ना, मैं तोड़ू तो सही। और सुई धागा कहाँ है? जेब में लेकर आया? तैयारी करके आया सर। आप सुई धागा भी लेके आए? वेरी गुड। वो फिल्म में ना अब खत्म हो गई है दोस्त, जहाँ पे जो होता ना, ये ना वो 19 ना, बहुत पहले होती थी। अब अगर एक बटन टूटा हो तो लोग बाकी भी तोड़ देते हैं। ये मैं बड़ा अच्छा सीता हूँ बटन। प्रेस करना बहुत अच्छा लगा। अगर कपड़े प्रेस कराने हो किसी को तो अनुक्षा है। ये सुई आपके आंख और नाक की तरफ जा रही है, थोड़ा पीछे हो जाओ। सर वो भी बहुत अच्छा लगेगा, शाहरुख खान की हाथ से जाएगी तो। सर आप बहुत वियर्ड हो सर, क्या बोल रहे हो आप सर। ये दोस्त तेरा मैंने बटन लगा दिया, अगली बार भी कोई कपड़े वपड़े तो भेज देना, मना तो। सर मैं ये शर्ट ही नहीं उतारूंगा, आपने बटन लगा दिया है। अरे सर ये लो। I got bad यार शाहरुख। शाहरुख वेरी वेल डन है। वेरी बर्तन धुलवाने हो, कपड़े धुलवाने हो, मंजवाना, मैं सब करता हूँ, घरेलू हर काम करता हूँ। प्रेस मैं करूँ। प्रेस तो करूँ। आपका एक सपना पूरा हो गया, शाहरुख खान ने आपका एक बटन नहीं पहना है, वो भी बहुत बड़ा सपना मेरा कंप्लीट हो गया, पर अभी भी अधूरा है, मैडम जी ने नहीं लगाया। अरे एक सेकंड सर, आपका मैं एक और सपना पूरा करता हूँ, आपको आपकी सीट। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को विद शाहरुख एंड अनुष्का? आई थिंक काफी सारा फैन इंटरेक्शन हो गया, आगे जाते हैं। नहीं मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहूंगा, मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा। आप सजेस्ट करें। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मजा नहीं आएगा तो मैं अनुष्का को नहीं करूंगा। अनुष्का जो है चैलेंज डिसाइड करेगी कौन जीता, क्योंकि हम दोनों को तुमने बहुत कॉम्पिटिशन कराया, पढ़ाई लिखाई करा दी यहाँ पे, तो अब तुम दोनों के लिए और मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा जस्ट आउट ऑफ बीइंग अ गुड स्पोर्ट। तो हम ऐसा कुछ करेंगे जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि हम कुछ अंडे लेकर आते हैं। अंडे ओके अंडे लेकर आते हैं और बीच में रखेंगे, और उसके अंदर कुछ कच्चे होंगे कुछ पके होंगे, यानी थोड़े से बॉइल्ड होंगे कुछ कच्चे होंगे जी। और जैसे रशियन रूलेट खेलते हैं कि किसकी हाथ में क्या आया, तो जो उठाएंगे और अपने सिर पे मारेंगे वो अंडा आप पे भी आ सकता है। ऑफ कोर्स वही हम उन स्टार्स में से नहीं है जिन पे लोग अंडे मारते हैं। ओके चलो हो जाए एक चैलेंज। मैं मर जाऊंगा, शावर कैप नहीं पहनूंगा। ग्लव्स ऑफ कोर्स यार, डॉन ग्लव्स हमेशा पहनता है। बेचारा को क्या ये चूज करूं मैं तेरा दोस्त, ये वाला ले मेरी बात मान, मेरी बात ओके रेडी, तू ले लेना, तू भी ले ले। अच्छा चल मैं ये वाला लेता हूँ, इतना भी अच्छा दोस्त नहीं। अच्छा कौन पहले जा रहा है? तू पहले जाएगा। कम ऑन रितेश, 3-2-1 बज गया। शाहरुख 1-2-3 और पता है क्या है? हाँ। क्योंकि ये शो इतना रात को हो रहा है, हाँ। भूख बहुत लग रही है, तो मैं गो फॉर इट। ये अंडा कुछ दिखा रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं, अच्छा सॉरी 3-2
1 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
3. Okay. Deva, what's up? बच गया? Yes! Yes! मेरा दिल ऐसा बोलता है कि ये हार्ड बॉइल्ड अंडा है। जी जी दूर है बट अब ये दोनों में से एक फूटने वाला है। एक सेकंड नहीं एक 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 नहीं मुझे लगता है आपने प्लानिंग की है क्योंकि आपने पहले उठा। अरे ये रैंडम अंडे उठा रहा हूँ। बाजीगर नहीं ऐसा मैं कभी नहीं। ओके फाइन थोड़ा ट्विस्ट करते ना। मुझे लगता है कि आप गुड लक पर हो, मुझे आपका गुड लक चाहिए और मैं अपना बैड लक। ये हुई ना बात रितेश के लिए, ताली हो जाए। Why not यार? हाँ why not? Change it ना। तो आप मेरे सर पे मारो, आपके सर पे मार दो। मैं आपके सर पे मारूंगा, आप मेरे सर पे मारो। सामने रख के मारना। Three, okay, मैं लेफ्ट हैंड से मारता हूँ। Three, two, one. I swear, अगर मैं अपने हाथ का अंडा खुद मार लेता ना। Anyways, और इस एक चैलेंज के विजेता शाहरुख खान। हाँ, please और तुम लोग। A big hand for शाहरुख खान and अनुष्का। जाने से पहले हमारी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट आप लोगों के लिए। Can we have those gifts, please? Superb, very nice here. Very, very nice. King Khan और अनुष्का शर्मा की यारी को हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर यारों की एक नई बारात लेकर आ जाएंगे यहाँ पर छोटे पर्दे के सबसे बड़े शो पे जिसका नाम है Vivo Smartphone Presents यारों की बारात। Powered by Amazon Gothic. We would like to thank our media partners, English print partner DNA, Hindi print partner Amar Ujala, radio partner Mirchi 98.3.